माननीय नीतीश कुमार जी, क्या नंद किशोर यादव जी का इस्तीफा लें? क्या उनको हिम्मत है कि बीजेपी के मंत्री पर वो कार्रवाई कर सके? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एक पुल बह जाता है, ये पुल नहीं नीतीश कुमार का सुशासन है जो बह गया है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। सवाल है बिहार सरकार पर। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि जिस पुल को बनने में 250 से ज़्यादा करोड़ रुपए खर्च हुए, जिस पुल के निर्माण में सालों का वक्त लगा, वो पुल महज 29 दिन में बह जाता है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्री, जो पथ निर्माण के मंत्री नंद किशोर यादव, उनको बर्खास्त करने की मांग कर दी है। ये मांग नीतीश कुमार से की गई है। कहा गया है कि पथ निर्माण मंत्री रहते हुए नंद किशोर यादव ने खूब घोटाला किया है, और ऐसे में घोटाले को उजागर करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि मामले की तो जांच हो ही, साथ ही नंद किशोर यादव को तत्काल नीतीश कुमार बर्खास्त करें, नहीं तो भ्रष्टाचार में उन पर भी सवाल खड़े होंगे। क्या कुछ कहना है, सुनिए इस बयान में। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? अगर परिस्थिति बनी है तो इसका जिम्मेदार कौन है, और आपने अब तक क्या कार्रवाई की है अपने 15 साल के शासन में? जैसे कि आप भी इस दौरान 2015 के मतलब सरकार थी आपकी और नीतीश कुमार के साथ थे, आप भी पथ निर्माण मंत्री भी आप रहे हैं, क्या उस दौरान ऐसी कुछ खबर नहीं मिली थी कि जो कंपनी जिसको आप ब्लैकलिस्टेड की बात कर रहे हैं, क्या इस कंपनी के बारे में कोई जानकारी उस समय नहीं मिली थी? तो काम चल रहा है उस समय, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था ना, उस समय कम्प्लीट नहीं हुआ था, और ये तो 8 साल पुराना प्रोजेक्ट रहा है, और ये तो अभी जो लोग मौजूदा जो है जिनके कार्यकाल में ये पूरा हुआ है, ये बेहतर तो वही लोग बता पाएंगे कि क्या होगा। हम माननीय नीतीश कुमार जी, क्या नंद किशोर यादव जी का इस्तीफा लें? क्या उनको हिम्मत है कि बीजेपी के मंत्री पर वो कार्रवाई कर सके? मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी की हैसियत नहीं है, ना हिम्मत है कि नंद किशोर जी को, बीजेपी के जो मंत्री हैं, उनको बर्खास्त कर सकते। मेरा खुला चुनौती है कि इसके जिम्मेवार मुख्यमंत्री सहित पथ निर्माण मंत्री भी, और मुख्यमंत्री जी अगर थोड़ी सी भी लज्जा बची हो तो अविलंब बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए। आपने मंगल पांडे जी को तो बर्खास्त नहीं किया, आज स्थिति देख लीजिए बिहार में क्या हो गई है, बिहार बदहाल है, नीति आयोग कह रहा है बिहार फिसड्डी है, कोरोना फैलता जा रहा है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं जगाई, बल्कि मंत्री ने सदन में भी झूठ बोला, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे अफसोस होता है नीतीश कुमार जी पर, अगर उनको चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो वो बर्खास्त करके दिखाएं बीजेपी के मंत्री।